स्टेज आपने बनाया था? हम ही बनाया था। किस किस पार्टी के लिए बनाया था? तृणमूल पार्टी। तृणमूल पार्टी के लिए कौन कौन आया था वहाँ पर? कौन कौन आया था? कौन 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 नेता आया था? स्टेज कर दिया चले गई हम छिला स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद ये भी साफ हो गया कि हमले से ठीक पहले टीएमसी नेताओं ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। अब सवाल ये रहा कि क्या हमला पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान था? आखिर क्या है हमले की सच्चाई, ये जानने के लिए हम पहुंचे टीएमसी विधायक और ममता सरकार के मंत्री गयासुद्दीन मौला के घर। विधायक के लोगों ने बताया कि पार्टी आला कमान से उन्हें बयान देने का फरमान नहीं आया है। मैं और कोलकाता में मेरे सहयोगी रवि सुबह से इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। रवि, हम लोगों ने लगातार उनके बेटे से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनका पक्ष जानना चाहा, उन्होंने नहीं बोला। उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया। घर आए हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक मैंने उनसे अभी बात किया तो उन्होंने ये कहा कि पहले तो उनका पीए पकड़ा था, उसके बाद उन्होंने ही पकड़ा फोन। वो कह रहे हैं कि घर में वो है नहीं। हाँ। और ये कह रहे हैं कि शाम को 7 बजे के बाद आइए, तब मैं सोचूंगा बात करूंगा कि नहीं। हाँ। उसका बाद उन्होंने ये कहा कि जब तक हाई कमांड से कुछ आता नहीं हम बात नहीं कर सकते। ये है तृणमूल में कि तृणमूल का एकदम सुप्रीमो से कुछ आपको नहीं आएगा तो आप बात नहीं कर सकते, मेल वगैरह भेजना पड़ता। TV9 भारतवर्ष के सवालों से मंत्री गयासुद्दीन मौला का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन TMC ने एक वीडियो जारी किया। TMC का आरोप है कि काफिले पर हमले से पहले BJP नेता राकेश सिंह ने सिराकोल में इकट्ठा भीड़ को उकसाया। TMC का ये भी कहना है कि उस दिन किसानों के मुद्दे पर TMC नेताओं की सिराकोल में मीटिंग थी। दिन हुआ था कि ये राकेश सिंह जो BJP का लीडर है ना, वो यहाँ से गुजर रहा था, वहाँ पे तृणमूल का एक रैली चल रहा था, किसान आंदोलन का एक रैली चल रहा था, तो शांतिपूर्ण रैली चल रहा था। राकेश सिंह वहाँ का कुछ हैंड का पुशिंग था, जो ये करके दिखा रहा था। हाँ। इसीलिए यहाँ पे जो तृणमूल का रैली था, कुछ तो आम पब्लिक भी कुछ उत्तेजित हो गया, इसीलिए उसकी बाद ही ये अशांत हुआ था इधर। TMC की मीटिंग के दौरान स्थानीय BJP नेता राकेश सिंह के साथ 50 मोटरसाइकिल सवार कार्यकर्ताओं के जत्थे ने आपत्तिजनक नारे और इशारे किए। आरोपों के मुताबिक स्थानीय BJP नेता की आपत्तिजनक हरकत के बाद भीड़ उग्र हो गई, लेकिन BJP इस आरोप को सिरे से खारिज करती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।